ब्रिज लगे ट्रेन के पटरी छे ना तीर वाला झकझकिया आवे जे टौली ड्राइवर हो नहीं पिन्हने चाहिए का स्वागत करते हैं एक नया बिहार में जो कि दिखाएंगे जो कितना सुंदर दिखता है हमारा बिहार आपको। लेकिन अभी आए हम विजय घाट पुल तो दिखाते हैं कैसा दिखता है यहाँ का व्यू। भाई जी साइकिल चला रहे हैं, हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है यहाँ का व्यू। देखिए बहुत ही आनंददायी है। ये हमारे प्रिंस ब्लॉगर भी कुछ इस तरह से ब्लॉग बनाने के चक्कर में है, देख लीजिए। ये हमारे प्रिंस ब्लॉगर हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, अभी पूरा ट्रेंडिंग में रहते हैं नंबर वन पे यूट्यूब पे। अभी सौरभ जोशी को टक्कर देने पे चक्कर में है। चलिए हम प्रिंस ब्लॉगर का कुछ फोटो क्लिक करते हैं, ये बोल रहे फोटो खींचने के लिए। चलो, यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। देख सकते हैं जैसा कि आप लोग, बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ का। आराम उराम कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे, घूमते हैं। बड़ा व्यू बहुत ही गर्दा है देखने में, इतना गर्दा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। कैमरा में उतना तो कैद नहीं कर सकते हैं, ये इतना बता सकते हैं कि यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। ये हमारे प्रिंस भाई साहब हैं, आप इनसे मिल चुके हैं बहुत पहले।
गरुड़ प्रजनन क्षेत्र जो है विश्व का तीसरा है और भारत का दूसरा है, बिहार में जो कि दूसरा स्थान जो है बिहार में है, कदवा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। इस क्षेत्र को गरुड़ प्रजनन क्षेत्र भी कहा जाता है। हम अभी यहाँ पे आए हैं थोड़ा घूमने के लिए। इस क्षेत्र को गरुड़ प्रजनन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा स्थान इसे बोला जाता है। पूरा विश्व में जो है तीन जगह ही गरुड़ प्रजनन क्षेत्र है। देख सकते हैं हमारे फ्रेंड है बाइक से अभी आ रहे हैं और हम सब चलेंगे नगुच्छा की ओर, क्योंकि हम सब नगुच्छा से ही आए हुए थे इस पुल पर। और यहाँ इस पुल का जो है कि नज़ारा आपको दिखा दें, काफ़ी सुंदर है। और इधर जो है कि देखने में काफ़ी सुंदर है। और ये हमारा बाइक है, अब हम इस पर बैठेंगे और चलेंगे नगुच्छा की ओर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स।